गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जब पद्म पुरस्कारों का ऐलान हुआ तो एक नाम ने सबको चौंका दिया। यह नाम है स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव का। उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री, देश के रक्षा मंत्री, प्रख्यात समाजवादी और धरती पुत्र के नाम से विख्यात मुलायम सिंह यादव को मोदी सरकार ने पद्म विभूषण सम्मान से नवाजने का जैसे ही ऐलान किया, इसके साथ ही मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न देने की मांग उठने लगी और स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस पर विवादित बयान दे दिया। नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी को पद्म विभूषण का सम्मान देकर के उनके विशाल व्यक्तित्व, कृतित्व और देश के प्रति किए गए योगदान का मजाक उड़ाया है। नेताजी को यदि सम्मानित करना ही था तो भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित किया जाना चाहिए था। ऐसा न कर नेताजी के सम्मान का मजाक उड़ाया है, जो भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार का घटिया सोच को दर्शाता है। समाजवादी पार्टी सांसद और मुलायम सिंह की बड़ी बहू डिंपल यादव ने भी भारत रत्न देने की मांग की है। नेताजी को जो यह पद्म भूषण की उपाधि दी गई है, ये मैं समझती हूँ नेताजी को भारत रत्न मिलना चाहिए था और पहले ही इस तरह की उपाधि मिल जानी चाहिए थी नेताजी को, लेकिन हमारी मांग की सरकार से कि नेताजी को भारत रत्न दिया जाए। अब इस पर यूपी की योगी सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने भी डिंपल यादव पर निशाना साधते हुए मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण देने पर भी उठाए सवाल। आदरणीय मुलायम सिंह को सम्मान देने का काम किया है, क्या वो डिंपल जी खुद सोच लें समाजवादी पार्टी क्या ऐसा सत्ता में रहती इस जगह पे तो क्या ऐसा करती, और क्या उनको जो सम्मान दिया है पार्टी ने वो बहुत व्यापक सोच विचार के दिया है। बहुत सारी उनकी सेवाएं इधर उधर की हो रही होंगी, अन्यथा राम भक्तों पर भी गोली चलवाने का काम आदरणीय मुलायम सिंह के द्वारा किया गया था। अगर छोटा दृष्टिकोण होता तो कभी भी विचार नहीं किया सकता था। डिंपल जी को कहिए कि अखिलेश जी पीएम के ख्वाब देख रहे हैं, जब सरकार में आ जाएंगे तो दोबारा देख लेंगे, पिताजी को फिर सम्मानित कर लें, क्या दिक्कत है।